फोन को चेक चेक कर रहे हैं मशीन को, क्या मसला है, मसाइल है, तो चेक नहीं आई क्या क्या इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो पानी लेने गए थे, ठीक है, तो हमें ठंडी हो गई थी, वो ऐसे मोबाइल था वो करंट देती है, अर्थ देती है, ठीक है ना, तो बेकार फर्क हो रही थोड़ी, एक दो घंटे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक, बेकार था लाइक, बेकार था शेयर, बेकार था लाइक को। वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू विला। गुड मॉर्निंग, शुड मॉर्निंग, मुड मॉर्निंग, क्या सीन है। सो जोन सा हमने कल व्लॉग का हिस्सा छोड़ा था, तो आज हम उसी से को कंप्लीट करेंगे जी। आज का क्या सीन है हमारा, आज हम अपना खदशत करवाएंगे। देखो दाढ़ी में मौलवी बने, तुम मौलवी लगना ना मैं ना, देखो। सो खुरक भी बड़ी हो रही है, मैनू इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है। सो आज हम खत वगैरह करवाएंगे, खत वगैरह करवाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे अपने भाई को, कपड़े तो नजर आते होंगे, वही उस नाले गंदे मंदे कपड़े पाए हुए, गंदे कपड़े पाए हुए थोड़े भरा ने, तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आज हम खत शत करवा के कटिंग वगैरह भी करवानी है हमने, क्योंकि बाल आपके बड़े अच्छे लगते हैं, अगर छोटे करवा ले तो बंदा चूचा छूचा लगता है, ठीक है। सो कपड़े वगैरह पा के खत शत कटवा के बनवा के अपने भाई को नहलाएंगे धुलाएंगे कपड़े वगैरह पहनाएंगे। सो तैयार श्यार हो गए, आपसे मिलते हैं जी। हम चलते हैं उधर फुफो लोगों के घर, उनका थोड़ा सा काम करना है, वो कर ले यार, क्योंकि थोड़े से काम शाम निपटा ले हम, ठीक है, देन हम खत छत करेंगे। ये खारक फुरक हो रही थोड़ी, एक दो घंटे बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो आपको भी ऐसे ही देखना पड़ेगा गंदे शंदे कपड़ों में। दो दूध वगैरह भी वहां से ले आए, देन हम आपसे मिलते हैं। सामान था ये भी देने चलते हैं उधर। फाइनली हम इधर आ चुके हैं, ठीक है, तो इनका मैंने काम शाम देखा था, तो ना हमने जिनसे वॉशिंग मशीन ली थी फूफा लोगों की, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का मसला मसाइल था, वो करंट देती है, अर्थ देती है, ठीक है ना, तो उनके शॉप के जिनसे लिए थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया करंट करूँ दे दिए कि मसला मसाइल है, कहना सुचा च पानी पै गया, मैं कहा नहीं यार फिर भी चेक करो आके। सो वो 12-1-2-3 बजे तक आएंगे, ठीक, तो फिर हम वहाँ भी यहाँ पे आएंगे, काम वगैरह करवा लेंगे उनको मशीन का, ठीक है ना, तो काम वगैरह करवाते हैं आज, तो उसके बाद हम खत शत करवाएंगे। बहुत वधिया दाढ़ी शारी, ठीक है, दूध वगैरह ले लिए। सो इधर आ चुके हैं, सब कुछ काम वगैरह कर लिए, उनको मैंने बता दिया कि भाई ये सीन हुआ है, ठीक है, कहते चलो ठीक है, तो आएगा तो तू भी आ जाइए, मैं कहा चलो ठीक है मैं भी आ जाएगा, तो अल्लाह खैर करे, अब चलते हैं घर, ठीक है, तो घर जाके भाई को नहलाते हैं, दिल होते हैं, तो वीडियो शेयर करते हैं। घर आ चुके हैं, तो यार जब हम कल, अगर आपने मेरे कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो देखें जाके, जब हम पानी लेने गए थे, ठीक है, तो हमें ठंडी हो गई थी, वो ऐसे कि फिल्टर आई थिंक ख़राब था या बंद था, हम लेट गए थे। सो आज पानी वगैरह भी लेके रहते, कुछ घर के काम कर ले, आप भी लोग कर लो घर के काम, सो पानी वगैरह लेके आके फिर मिलते हैं आपसे। ले लिया हमने, तीन वाला आया था ठीक करने के लिए, ठीक है, बात उसे समझ वगैरह नहीं आई क्या क्या इसकी कंडीशन है, ठीक है, तो अब शॉप पे लेके जानी पड़ गई, तो मशीन को शॉप पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी क्या क्या कंडीशन होती है। शॉप पर आ चुके हैं, ठीक है, तो उनको चेक चेक कर रहे हैं मशीन को, क्या मसला है मसाइल है, तो चेक कर होना शरा पड़ गया, क्या वो टूट छूट गई है ना मशीन थोड़ी सी, दिखाते हैं आपको, तो ये चेक चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा तो ये माइंड है हमें नहीं मिल जाए तो 5-6 दिन का टाइम हमें लगेगा, ठीक है, वो ऐसे कि वो मशीन कह रहे हैं कि उनका जो एक पार्ट है ना वो आना है गुजरांवाला से, ठीक है, तो कह रहे हैं कि 4-5 दिन लग सकते हैं, करंट का इशू तो वो तो कहते हैं आज ही हल हो सकता है, मगर वो जो दूसरा इशू है ना उसका ढक्कन का, वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन लग जाएंगे, तो अब वेट करते हैं, वो दिखाते हैं पप्पा को, हमने घर वगैरह छोड़ दिए, तो अब हम चलते हैं, ठीक है, तो फाइनली हम वो मशीन देकर आ गए उनको, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि 5 या 4 दिन लगेंगे इसको सही होने में, इसका एक पार्ट है वो गुजरांवाला से आना है, कहते हैं कि इसका एक पार्ट है वो गुजरांवाला से आना है, जब वो आएगा
ठीक है, उसको 3 या 5 दिन लगेगी आने में, तो जब वो आएगा तो हम उसको लगा देंगे, तो आप इसको ले लीजिएगा। तो मशीन देकर आ गए उसको, ठीक है ना, तो नज़र आ गए उनके। मैंने कहा था खाता वगैरह करवाना है, मौलवी शुलवी लग रहे हैं, मौलवी दाल पीने लग रहे हो मैं, ठीक है। सो अब मैं जाता हूँ कटिंग करवाने बालों की, थे शेव की। खत का टाइम आ गया है, फ्री हो चुका हूँ सारे काम से, तो भाई से खत करवाने जा रहे हैं, खाते हैं आपको। फटे चढ़ गया मैं, शुरू हो रही है जामत मेरी, सोने चढ़ने लगा हूँ मैं। और खत देखे कैसा लग रहा हूँ ना, आप सब खत देखिएगा। A few moments later. Finally, खत शत हो गया है। माशाल्लाह, पहले मैं मौलवी बच्चा लग रहा था ना, अब मैं सही लग रहा हूँ। सो अब घर जाके नहाते धोते हैं, ठीक है, और मिलते हैं और वो लोग। मैं घर आया तो गैस चल गई, गैस चल गई, जिंदी वजह तो अब मुझे इसमें पानी गर्म करना पड़ा है। ये मेरे चाचू लेकर आए सऊदीया से, ये मैक्सिमम भी हुआ ना तो पाकिस्तानी 30-40 हज़ार का है, पर वहाँ का होगा 300-400 रियाल का गर्म कर रहा। ये बेसिकली ना थोड़े पानी गर्म करने के लिए है, ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी गर्म करूँ नहीं, यानी ये कराऊँगा और आपको दिखाऊँगा। पानी गर्म हो गया है तो मैंने गुस्सा खाने में पानी वगैरह रख दिया, तो मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है, नहाते हैं धोते हैं और पागल जहा लग रहे हो ना ना, तो मिलते हैं। सो यार मैंने नहियाँ वगैरह कर ली हैं, रेडी शेडी हो गया हूँ, लम्बे शो में पै गया रुझाई में, ठंड बहुत लग रही है मुझे, तो मैंने थोड़ा सा काम वगैरह करना था क्लाइंट का, ठीक है, तो वो करते हैं और हम आज के व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। यार अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या भी मेरे चैनल पर नए हैं, सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।